हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सादिक, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज संडे है और हम लोग अभी निकले हैं घूमने के लिए। साथ में हमारे दोस्त हैं अभिषेक त्रिपाठी और पीछे बैठा हुआ है दीपक। अभिषेक का एक पार्सल है, वो पार्सल हम लोग रास्ते में कलेक्ट करने जा रहे हैं। पार्सल कलेक्ट करके फिर थोड़ा कुछ अच्छा व्यू दिखाते हैं आप सभी को। अभिषेक, मजा आ रहा है ड्राइविंग करके? बहुत मजा आ रहा है भाई। बहुत मजा आ रहा है। तो कल दीपक कैसा लग रहा है आपको? अरे यार, तो पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ यार, बहुत मजा आ रहा है। अरे अब मतलब इतना बड़ा झूठ यार, पहली बार बैठा हूँ अब से के साथ गाड़ी में। कल मौका भी मिल रहा है कहीं लॉन्ग टूर जाने के लिए अभिषेक के साथ, तो और भी मजा आएगा। ₹250 मुझे चाहिए दोनों लोगों से। अरे भाई, तुम 250 क्या 500 ले लेगा? नहीं, ₹250 मेरी मजदूरी चाहिए मुझे गाड़ी चलाने के लिए। ऐसा है, तुम लोग मुझे 500 दे देना, मैं गाड़ी चला दूंगा, ठीक है? और जैसे अभी दीपक कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूं दीपक एसलाल सर क्या कहते थे आपके बारे में। क्या कहते थे? नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ माफिया करके बुलाते थे ना आपको। दौलत माफिया। आप दौलत माफिया होकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, मैं पहली बार गाड़ी बैठा हूँ, जिसके पास 8-10 गाड़ियां हैं, वो ये बोले कि मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा हूँ, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जवान है। अच्छा, भावनाओं को समझे। पार्सल आ गया है, पार्सल कलेक्ट कर रहा है, उसने शूज मंगाया और जूता मंगाया है। तो अभिषेक का पार्सल कलेक्ट करके हम लोग निकल लिए हैं। कल अभिषेक, कल जावेद की शादी में पहनने के लिए शूज मंगाया भैया ने। भैया बारात से पहले शूज आ गया, अच्छी बात है, फ्लिपकार्ट को थैंक यू। हाँ दीपक, क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है, हमको तो यही लग रहा है भैया कि अभिषेक कह चुके हमारे पास पैसा ही नहीं है। भैया देखो, ये 3-3 पार्सल मंगाए, दो एक पार्सल यहाँ है, दो पार्सल डिग्गी में रखे हैं। भैया इतना झूठ बोलते हैं अभिषेक भाई की पूछिए ही ना। रो रहे थे कि पैसा ही नहीं है, बारात कैसे चलेगी? 10,000 रुपया लिए हुए हैं भैया। भाई मनरेगा की मजदूरी का पेमेंट गवर्नमेंट ने दिया दीपावली से पहले, ये हमारा 10,000 रुपया लिए हुए हैं भैया, और एक हफ्ते से कहते भैया पैसा नहीं है, आज नहीं कल नहीं, वो बताओ। और ये अपना ऊपर से मंत्रा पे मंगाए जा रहे हैं। तुम्हारा 10,000 उस दिन देंगे जिस दिन 5 संडे पड़ेगा, जिस हफ्ते। नहीं नहीं, जनता जानना चाहती आप दीपक का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। दीपक का पैसा हम जिस महीने में 5 संडे पड़ेगा उसी महीने में चुका देंगे। दीपक, सुना क्या कहा अभिषेक ने? तब तक के लिए दीपक ब्याज जोड़ सकते हैं अपने पैसे पे। ठीक है भाई, तो दीपक कल बताओ जावेद की शादी में मजा आएगा? अच्छा दीपक, ये बताओ, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में पैसे की दीवार? नहीं तो तुम रो ना, ना कह दो कि हम बाद में दे देंगे। हाँ दीपक, रो ना बस, अपना पैसा रहता तो मोबाइल छीन के तुरंत ट्रांसफर कर देते। क्या करूं दोस्त, क्या करे, मनरेगा की इस बार आ रहे तो मनरेगा वाला पेमेंट फिर आपको देते हैं। ये हमारे दूल्हा भाई जावेद आ गए हैं यहाँ पे हमारे साथ मिल गए। देखिए दीपक भी है, जाबिर भाई लखनऊ से आए हैं। पहले हमारा पूरा इंट्रोडक्शन तो दूल्हा भाई, हमारे दूल्हा भाई जावेद आ गए हैं। जावेद हसन दूल्हा, आगे बताओ। जाबिर भाई अपनी शादी अटेंड, जावेद की शादी अटेंड करने के लिए लखनऊ से आए हैं। तो जाबिर, ओ सॉरी जावेद, कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त सब लोग हमारे साथ में हैं, एकाध दोस्त रास्ते में हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। हाँ। अगर सब कुछ सही रहा तो वो भी सुबह तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल सुबह बारात चलेगी, इंशाल्लाह जरूर चलेगी, निकाह होगा, बहुत मजा आने वाला है। और क्या, बाकी सब ठीक है, आप लोग जैसा है बातचीत होती रहेगी। फिर कल से मुलाकात होगी आपसे? हाँ कहे नहीं, जरूर होगी, बचपन से रहे उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। हम लोग तो बचपन के फ्रेंड हैं, तो मतलब मुलाकात पक्की है, कल होगी 100% होगी भाई। तो भाभी को तो कल साथ में लेके आएंगे, थोड़ा वक्त वहाँ देना पड़ेगा लेकिन बाकी वक्त तो इधर भी देना पड़ेगा। अच्छा, और वलीमा परसों है, तो कितने लोग आ गए हैं? सारे लोग आ चुके हैं, लमसम सारे लोग आ चुके हैं। तो जैसा कि जावेद साथ में है, दूल्हा भाई जी, भाई नौशा भाई, नौशा भाई, तो मजा आ रहा है बहुत। तो कल इंशाल्लाह हम लोग बारात चलेंगे। जावेद ससुर से कह देना शुरुआत कम बोटी ज्यादा। कह दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम लोग नहीं मतलब फ्रेंड्स तो अपने अपने घर गए, मैं भी घर आ गया
और कौन है मेरे साथ? डॉक्टर फैम। तो डॉक्टर फैम, कैसा था आज आपका दिन? बहुत अच्छा। संडे को क्या किया आपने? फिलहाल तो कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर फैम हमारे साथ हैं। तो जैसा कि व्यूअर्स ने आपके सॉन्ग को बहुत पसंद किया था जो आपने कपिल वस्तु में गाना सुनाया था हम लोगों को, तो आज मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझिए कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है तुम ही आना, वो सुना दीजिए आप तो मजा आ जाएगा। सो गाइस, सुनते हैं डॉक्टर फैम से तुम ही आना। तो डॉक्टर फैम, तुम ही आना सॉन्ग जो आप सुनाने जा रहे थे, तो उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इसमें जो मेरी फेवरेट लाइन है आप वहां से स्टार्ट करना। ये है ना, कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदा उनका, सुनो क्या कहना चाहती है, तुम आओगे मुझसे मिलने, खबर भी ये तुम ही लाना। यहां से आप स्टार्ट करें। कोई तो राह वो होगी, क्या बात है, जो मेरे घर को आती हो, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। क्या बात, बहुत अच्छा फैम, आपने मजा ला दिया। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं इन करते हैं और कल आपको वापस से नेक्स्ट ब्लॉग में जावेद की पूरी शादी का ब्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए।